ये उस वक्त की बात है जब हूण नाम की एक बर्बर कबायली जाति पूरी दुनिया में आतंक मचा रही थी। अरब से लेकर यूनान और यूरोप तक को वो राख का ढेर बना रहे थे। रोमन साम्राज्य से लेकर रूस तक को खून से तर कर चुके इन हूणों के लश्कर ने भारत पर हमला बोला और जल्दी ही उन्होंने गांधार, कश्मीर, मथुरा, राजस्थान, गुजरात और सिंध सहित आधे भारत को जीत लिया। इस पवित्र धरती को उन्होंने जमकर लूटा, मंदिरों को तोड़ा, राज्यों को भोगा और औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। ऐसे वक्त में दुनिया से हूणों के आतंक का विनाश करने निकला था भारत का एक सम्राट जिसका नाम था सम्राट स्कंदगुप्त। गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठने वाले वो सातवें राजा थे जिसने न केवल भारत से हूणों को मारकर भगाया बल्कि उन्हें दोबारा यहाँ घुसने भी नहीं दिया। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब गुप्त साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। इसी साम्राज्य के महान शासक सम्राट स्कंदगुप्त ने अपनी वीरता और कुशलता से इतिहास में अपना अमिट स्थान बनाया। स्कंदगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। वे गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे। बचपन से ही वो शिक्षा और युद्ध कला में निपुण थे और उनके गुणों ने उन्हें अपने पिता का प्रिय बना दिया था। लेकिन स्कंदगुप्त का असली पराक्रम तब सामने आया जब हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त की इस विजय का वर्णन हमें भितारी और जूनागढ़ के शिलालेखों में मिलता है। हूण सेना अपनी निर्दयता और विनाशकारी हमलों के लिए प्रसिद्ध थी। 5वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 455 ईस्वी में हूणों ने उत्तर भारत पर धावा बोला जिससे पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। लेकिन स्कंदगुप्त ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और रणनीतिक कौशल का उपयोग करते हुए हूणों को परास्त किया। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने हूणों के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए स्कंदगुप्त को भारत के रक्षक की उपाधि दी है। कहा जाता है कि 100 राजाओं की 130 रियासतें स्कंदगुप्त के झंडे के नीचे थी। उसकी सेना में 200,000 पैदल सैनिक, 1201 खूंखार हाथियों का झुंड और 40,000 तीरंदाज थे। उसने गांधार से बंगाल तक और गिरनार से हिंदुकुश तक के इलाकों को जीत लिया था। हूण आक्रांताओं और हिंदुओं के बीच की दीवार बना था वो कहा जाता है कि सम्राट स्कंदगुप्त हूणों के सेनापति को ही युद्ध के मैदान से घसीटकर पाटलिपुत्र ले गया था। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य के अनुसार हूणों के साथ हुए इस युद्ध में गुप्त सेना की संख्या 200,000 थी। तब भी विकट और बर्बर हूण योद्धाओं के मुकाबले में गुप्त सेना की विजय हुई। लड़ाई की शुरुआत ठंड के मौसम में हुई थी। फरवरी के सर्द सवेरे में सम्राट स्कंदगुप्त ने मगध की विशाल सेना के साथ हूणों पर चढ़ाई कर दी। सम्राट का पहला हमला गुप्त साम्राज्य से जुड़े हूणों के कब्जे वाले 3 राज्यों पर हुआ। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को तबाह कर दिया। सम्राट स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 455 से 456 ईस्वी में हूणों के साथ हुआ था जिसने उन्हें एक महान योद्धा, एक सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। गुप्तकालीन शिलालेखों में स्कंदगुप्त की वीरता और युद्ध कौशल की अनेक कथाएं अंकित हैं। हूणों के आक्रमण के समय उन्होंने अपनी रणनीति और साहस से हूण सेनापति तोरमाड़ को परास्त किया जिससे हूणों का भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार रुक गया। भीतरी के शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जिसकी दोनों भुजाओं के हिलने से धरती कांप उठती है, जिसके लड़ने से आंधियां आ जाती हैं और जिसकी दहाड़ शेर के जैसी है। स्कंदगुप्त ने केवल हूणों से ही नहीं बल्कि अन्य आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से भी सफलतापूर्वक निपटे थे। वो मालवा में पुष्यमित्र के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया और विद्रोहियों को परास्त किया। इन्हीं विजयों की वजह से कुछ लोग उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। पुष्यमित्र के विद्रोह को दबाने के बाद स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को पुनः स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य की स्थिरता को बनाए रखा। उनकी यह विजय उन्हें एक सक्षम और महान योद्धा के रूप में और भी ज़्यादा स्थापित करती है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण में चालुक्य और पल्लवों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि स्कंदगुप्त चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। लेकिन स्कंदगुप्त केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। युद्ध के बाद उन्होंने साम्राज्य में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। उनके शासनकाल में आर्थिक सुधारों से व्यापार और कृषि में वृद्धि हुई जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में नए सिक्के जारी किए थे और ट्रेड रूट्स को और भी ज्यादा सेफ और इजी बनाया था। इससे गुप्त साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान चांदी के सिक्के जारी किए गए थे जो उस समय की इकोनॉमिक स्टेटस को बताता है। इस काल के जो भी सोने के सिक्के मिले हैं उनमें एक तरफ राजा की धनुष बाण वाली आकृति मिलती है तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी और स्कंदगुप्त लिखा हुआ मिलता है। कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज और उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। स्कंदगुप्त ने भूमि सुधार और सिंचाई प्रणाली में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसान भी समृद्ध हुए।
उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान ने खूब उन्नति की। यह समय भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य अपने चरम पर था, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। स्कंदगुप्त ने ही अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। यह प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में और अध्ययन और शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध था और दुनिया भर से विद्वानों को आकर्षित करता था। स्कंदगुप्त खुद एक वैष्णव थे, लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों और स्तूपों का निर्माण हुआ, जो आज भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। स्कंदगुप्त का शासनकाल लगभग 25 साल का था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। उनकी वीरता और प्रशासनिक कुशलता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, गुप्तकालीन शिलालेखों में स्कंदगुप्त की वीरता के किस्से बखूबी अंकित हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं। हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी स्कंदगुप्त पर रचना लिखी, जो कि खासी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हूणों को पराजित करने वाले स्कंदगुप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।